तेनाली राम की कहानी गुलाब का चोर। महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में एक बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। सारा फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को अति प्रिय थे, इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमण करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख प्रसन्न हो जाते। एक दिन जब वे बगीचे में भ्रमण के लिए आए तो पाया कि पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाबों के कम होने का क्रम कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे उसे तत्काल बंदी बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बल्कि तेनाली राम का पुत्र था। जब यह बात तेनाली राम के घर तक पहुंची, तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और तेनाली राम से मिन्नती करने लगी कि किसी भी तरह उसके पुत्र को छुड़ा कर लाए। तेनाली राम अविलंब राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते भर वह उसे बचाने का उपाय सोचता रहा। जब वह राजमहल के बगीचे में पहुंचा तो देखा कि पहरेदार उसके पुत्र को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने की तैयारी में है। जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से बंदी गृह में मिलना। तेनालीराम क्या करता, दूर कड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। तेनालीराम दूर से ही चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा दे। पुत्र सोचने लगा कि ये पिताजी क्या कह रहे, क्या इसका कोई अर्थ था। वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया। उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो। उसने ऐसा ही किया और रास्ते भर गुलाब के फूलों को खाता रहा। जब पहरेदार महाराज के सामने पहुँचे तब तक वह सारे गुलाब खा चुका था। पहरेदार महाराज से बोला, महाराज ये बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है, हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। लज्जा नहीं आती, इतने छोटे उम्र में चोरी करते हो, बड़े होकर क्या करोगे, महाराज क्रुद्ध होकर बोले। तेनाली राम का पुत्र बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज, मैं तो बस बगीचे से जा रहा था और आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया।
कदाचित इनका ये आपकी प्रशंसा का पात्र बनना है, किंतु महाराज इसमें मुझे निर्दोष को सजा क्यों? अगर मैंने गुलाब चुराया होते तो मेरे पास गुलाब भी होते, लेकिन देखिए मेरे हाथ काली है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है। पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहाँ निर्धारित हो गए। रास्ते में अपनी धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब तेनाली का पुत्र सारा गुलाब चट कर गया। अब बिना प्रमाण के यह साबित करना असंभव था कि वह गुलाब चोर है। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे, एक निर्दोष बालक को तुम ऐसे पकड़ लाए, इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? भविष्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना, इसे तत्काल छोड़ दो। तेनाली राम के पुत्र को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि भविष्य में बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। तेनाली राम ने उसे क्षमा कर दिया।